मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या पार्श्व पर संधारित्र फिल्टर, संट कैपेसिटर फिल्टर। तो आज की क्लास में हम इसके लिए उर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर के लिए क्या निकालेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो देखो, ये जो हमारे पास, देखो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर था और फुल वेव रेक्टिफायर था। कल की क्लास में हमने दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब डेरिवेशन जो हम बना रहे हैं वो कोई भी एक रेक्टिफायर के थ्रू बना सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, कौन सा दृष्टकारी ले रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। तो कल से कंटिन्यू कर लेना, डाइग्राम दोनों बन गए थे हमारे ना। अब ये तो हमारे पास अर्ध तरंग दृष्टकारी होती है और ये इससे प्राप्त क्या होता है, आउटपुट होता है, निर्गत क्या होती है, वोल्टता होती है, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ये एक क्या लगा दिया हमने, संधारित्र लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया सी। तो ये कौन सा फिल्टर कहलाता है हमारे पास, संट कैपेसिटर फिल्टर कहलाता है। अब देखो, लोड पर पहले वोल्टता ये मिल रही थी, जैसे ही आप कैपेसिटर लगाओगे क्या होगा, ये मिल रही थी ना। कैपेसिटर लगा रखा है तो आपके पास क्या होगा, पहले तो लोड पर वोल्टता यही मिलेगी। देखो यहाँ तक शुरुआत में जो वोल्टता होती है हमारे पास, फॉर्मूला वी एस क्या थी, Em sin ωt थी। अधिकतम मान कितना था, Em और sin ωt, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्लियर है। अब देखो शुरुआत में तो यहाँ लोड पर क्या मिल रही है, देखो वोल्टता पहले 0, फिर अधिकतम ये बढ़ती जा रही है। और अधिकतम कितनी पहुँचेगी यहाँ RL पर, अधिकतम जो मिलती है ना वो कितनी मिलती है, Em मिलती है, ठीक है, यहाँ लोड पर। अब जब ये डायोड काम कर रहा है ना और लोड पर वोल्टता प्रोवाइड करा रहा है, कितनी, Em मिल रही है यहाँ पर, ये चक्र मिल रहा है यहाँ पर, ये वोल्टता मिल रही है। साथ में जब ये होता है ना, इतने ही समय में ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये जो संधारित्र होता है, ये भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो ये संधारित्र क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब लोड पर वोल्टता देखो क्या हो रही है, बढ़ गई, अब घट रही है यहाँ RL पर, अब ये घट रही है। तो ये जो संधारित्र चार्ज हुआ था ना, ये वोल्टता जो घट रही है ना, वो घटने से रोकता है लोड पर। ये संधारित्र क्या करेगा, अपने में से वोल्टता किसको देगा, लोड में को देगा। तो ये जो संधारित्र हो जाता है, ये इसके बाद क्या होने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये देखो संधारित्र क्या हो जाने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। हो गया, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, अनावेशित होने लग जाता है, ठीक है, क्या होने लग जाता है, अनावेशित होने लग जाता है। इसका क्या होने लग जाता है, अनावेशन। अब इतने ही समय में यहाँ पर ये जो पहले ऐसे वोल्टता हो रही थी वो घट रही थी, फिर जीरो होती है, ऐसे ना होकर ये वोल्टता मिलने लग जाती है लोड पर। अब संधारित्र जब डिस्चार्ज होगा, अनावेशित होता है कैपेसिटर, तो इसमें से वोल्टता खत्म होती जाती है। इतने ही समय में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले जो जब संधारित्र ने लगाया था ये वोल्टता, यहाँ वोल्टता देखो दोबारे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ वोल्टता क्या हो रही है, दोबारे बढ़ रही है लोड पर। यहाँ से डायोड काम कर रहा है, लोड पर वोल्टता मिल रही है, दोबारे संधारित्र क्या होने लग जाता है, चार्ज होने लग जाता है, आवेशित होने लग जाता है। तो ये देखो दोबारे संधारित्र क्या होने लग गया, आवेशित होने लग गया। और कितना होगा ये वाला मान, कितना होता है मैक्सिमम, Em। ये भी कितना होता है हमारे पास, अधिकतम, Em होने लग जाता है। अब ये देखो पहले लोड पर वोल्टता, फिर दोबारे क्या हो रही है, घट रही है, घटने लगी दोबारे लोड पर। अब जो संधारित्र चार्ज हो गया Em तक, ये संधारित्र इसको क्या देगा, वोल्टता, और ये धीरे धीरे वोल्टता देता जाता है इस तरीके से। तो कहने का मतलब है, जब हमने ये कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र बना दिया, तो ऐसे वोल्टता कब होती है, फिर बढ़ती है। तो पहले क्या मिल रही थी हमें, ये मिल रही थी हमारे पास, पहले ये मिल रही थी ना, संधारित्र लगाने के बाद हमें अब ये मिलने लग गई। तो बताओ अब ये इसकी ओर बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, यानी कि हमें दिष्ट लगभग लगभग और मिलने लग गया। पहले तो ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, अब ये लगभग सीधी लाइन की ओर अग्रसर हो,
हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये किसका काम होता है? फिल्टर का काम होता है। क्या ये कंप्लीट सीधी लाइन मिल गई? नहीं मिली। यानी कि इस फिल्टर को लगाने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या रह जाती है? उर्मिका रह जाती है। तो हम यहाँ पर उसी का मान निकालेंगे। कितनी रह जाती है? उर्मिका गुणांक का मान निकालेंगे। यहाँ संधारित्र क्या था? ईएम तक आवेशित हो गया था यहाँ तक, फिर इसके बाद ये डिस्चार्ज होने लगा था, फिर दोबारा यहाँ आवेशित हो गया। तो ये जो आवर्त काल हमारे पास होता है वो क्या कहलाता है? टी कहलाता है। दो एक बार निरावेशित होने के पश्चात दोबारा जब वो आवेशित होने लग जाए तो ये आवर्त काल कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये जो संधारित्र है ईएम से, ये क्या हो रहा है हमारे पास? अनावेशित हो रहा है। अब देखो पहले शुरुआत में संधारित्र में कितनी वोल्टता थी? ईएम अधिकतम। जब लोड पर वोल्टता घटी ना, तो ये लोड पर वोल्टता घटने नहीं लेकर खुद देता रहता है वोल्टता। ये रेड कलर क्या डिसाइड कर रहा है? ये संधारित्र दे रहा है, ये इसका इसको देने ही नहीं दे रहा, ये खुद दे देता है ये लगातार वोल्टता लोड पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, देखो समय बढ़ता जा रहा है, ये अनावेशित होता जा रहा है, होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अनावेशन में, यानी जब ये अनचार्ज होता है, यानी वोल्टा देता रहता है ना, अनावेशन में किसी क्षण किसी समय कितने पर? टी पर। मान लो ये यहाँ तक डिस्चार्ज हो गया है, ये समय कितना मान लिया मैंने? स्मॉल टी मान लिया। कितना मान लिया? वैसे स्मॉल टी क्या बता रहा है यहाँ पर? ये समय के अनुसार, ये समय में और वोल्टा में वक्र है, ये ग्राफ है हमारे पास। लेकिन यहाँ ये जो स्मॉल टी बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ई एम स्मॉल टी में घटकर इतनी कितनी रह जाती है वो देखते हैं। समय बढ़ता जा रहा है तो देखो ये निरावेशित भी तो होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। तो अनावेशन में किसी क्षण टी सेकेंड पश्चात जो संधारित्र है, यानी कि ये कैपेसिटर में से संधारित्र में से वोल्टता निकलती जा रही है ना, जो संधारित्र है पर वोल्टता कितनी होगी? विभव का मान कितना होगा? वोल्टेज कितनी होगी? यानी अब जब ये डिस्चार्ज होता जा रहा है तो कुछ समय बाद टी समय पश्चात देखते हैं, आफ्टर टी टाइम देखते हैं, अब इसमें कितनी वोल्टता लगातार डिस्चार्ज होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुछ समय तक देखते हैं हम कितनी हमारे पास अब इसमें वोल्टता रह गई। तो देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितनी है? ई एम है, और ये घटती जा रही है। ये देखो तो ये जो घटती जाती है ना हमारे पास, डिक्रीज होती जाती है ना वोल्टा, वो डिपेंड करती है ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन किस पर? आर एल सी पर। ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या बता रही है कि वोल्टा क्या हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? यदि R इंटू एल इंट आर एल इंटू सी की वैल्यू क्या हो? अत्यधिक हो, बहुत ज़्यादा हो, तो इसको e रेस टू पावर, e की पावर x का जब हम प्रसार करते हैं तो क्या होता है? 1+x की फॉर्म में होता है। तो v इज इक्वल टू ई एम, एक्सपेंशन कर दो e की पावर x का, तो क्या बनेगा? 1 - t अपॉन क्या? आर एल सी बनेगा। यानी कि हमारे पास जो संधारित्र में ई एम वोल्टता थी वो टी समय पश्चात यहाँ पर कितनी रह गई? वी इज इक्वल टू ई एम इंटू 1 - t अपॉन आर एल सी। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एम टी अपॉन क्या? आर एल सी। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारे पास वोल्टता होती है ना, ये टी समय पश्चात होती है हमारे पास किसमें? कैपेसिटर में, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कल मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था उसका, वोल्टता प्रत्यावर्ती घटक अपॉन दृष्ट घटक। अब देखो वी इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एम टी अपॉन टी आर। यहाँ पर संधारित्र क्या था? कैपेसिटर में टोटल वोल्टता कितनी थी? ईएम थी, अधिकतम है ना ईएम, कितना चार्ज हो सकता है ये? अधिकतम ईएम तक ईएम थी। फिर देखो धीरे धीरे घट रही है, घट रही है, घट रही है, फिर दोबारा ईएम हो गई, फिर
फुल चार्ज कब हो जाएगा, जब इसमें कितनी वोल्ट आ जाएगी, ई एम। तो कितना समय लगा इसको, कितना समय लगा, कैपिटल टी, जो कि क्या है हमारे पास, आवर्तकाल है। ठीक है, तो देखो दो शिखर, शिखर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, और वो क्या है, ई एम है। क्लियर है ये बात। दो शिखर के मध्य अंतराल यानी टाइम इंटरवल कितना है, टी है। टी है ये दो शिखर के मध्य टाइम इंटरवल। पुनः आवेशन होने की स्थिति में, पुनः दोबारे चार्ज कब होगा फुल, पुनः आवेशन होने की स्थिति में, कंडीशन में, कि दोबारे हमारे पास संधारित्र आवेशित कब होगा, चार्ज कब होगा, आवेशित होने की स्थिति में विभव का मान कितना होगा। देखो विभव का मान कितना होगा, अब इस फॉर्मूले से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे। देखो अब जब ये यहाँ से दोबारे चार्ज होगा, तो देखो ई एम वोल्टा थी हमारे पास, ई एम माइनस ई एम बटे आर एल सी, और स्मॉल टी की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल टी लिख देंगे। तो ये पुनः आवेशन की होने की है, टी इंटरवेल के बाद इतना चेंजेस होता है, ई एम से वोल्टा इतनी चेंज हो जाती है, ई एम माइनस ई एम अपॉन आर एल सी इंटू टी के बीच में। ठीक है, तो लोड पर भाई ये क्या मिल रहा है, लोड पर अब क्या मिल रहा है, लोड पर ये मिल रही है। तो अब लोड की बात कर लेते हैं भाई, पूरे टी इंटरवेल में, टी समय में इतनी वोल्टता मिलती है, इतना विभव का मान मिलता है संधारित्र पर, किस पर, संधारित्र पर। ठीक है, तो अब हमें लोड पर देखना है। ठीक है, इसलिए लोड आर एल पर। ठीक है, ये सारे जो मिल रहा है हमें वोल्टा, वो किस पर मिल रही है, लोड पर। निर्गत वोल्टता का शिखर मान, निर्गत वोल्टता का क्या शिखर मान। ठीक है, पहले तो कितनी वोल्टता मिल रही थी, देखो लोड पर ई एम मिल रही थी, ई एम मिल रही थी, फिर उसके बाद टी इंटरवेल में कितनी घट गई, ई एम माइनस ई एम अपॉन आर एल सी इंटू टी, इतनी चेंज हो गई शिखर मान, ई एम और ई एम माइनस क्या, ई एम माइनस ई एम अपॉन आर एल सी इंटू टी, यहाँ वोल्टता ई एम, और ये दोबारे जब ई एम हो रही है तो उसमें चेंज यही तो हो रही है हमारे पास, देखो ये वाला पद जो आ रहा है आर एल सी वाला। ठीक है, ई एम टी अपॉन आर एल सी के बीच वेरी करता है, उच्चावचन होगा, उच्चावचन होगा यानी कि घटेगा बढ़ेगा, यानी अधिकतम कितनी, ई एम, फिर उसके बाद संधारित्र में सबसे पहले चार्ज हो जाता है ई एम तक, फिर वो घटती जाती है, घटती जाती है, कितनी घटती जाती है, मतलब यहाँ से दोबारे ई एम होने में उसमें कितना चेंजेस होता है, ये वो चेंजेस बता रहा है। ठीक है, ये वो चेंजेस बता रहा है। तो अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझा सकते हैं, देखना ग्राफ मैं कैसे बनाता हूँ। ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें मैक्सिमम वोल्टता मैं दर्शा देता हूँ क्या है, ई एम है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टता क्या है, ई एम है, ऐसे दर्शा देता हूँ। फिर देखो ई एम जो है ना, वो क्या हो रही है, ये देखो ये घट रही है, ये ई एम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ई एम है, अब ई एम जो है कितनी डिक्रीज हो गई, देखो ये हो गई, इतनी चेंज हुआ है इसमें वैल्यू में, चेंज जो हुआ है वो लिखेंगे, कितना हुआ है, ई एम आर एल सी इंटू टी। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो दोबारे बढ़ेगी ये, दोबारे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये ई एम तक बढ़ेगी, और फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इस तरीके से हमें कहाँ वोल्टता मिलेगी, लोड पर वोल्टता मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, लोड तक। भाई ये तो अधिकतम वैल्यू तो चलो ई एम हो गई है ना, ये जो हमें लोड पर वोल्टता मिल रही है, मैक्सिमम कितनी मिल रही है, ई एम, फिर वो घट रही है, और ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी, फिर दोबारा बढ़ रही है, क्या हमें दिष्ट मिल गई, दिष्ट तो हमारी ऐसी होती है, नहीं मिली हमें हमारे पास।
तो देखो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ये जो वेरी कर रहा है ना, ऐसा मान लो आप, अब इसमें हमें तो सीधी रेखा चाहिए, तो सीधी रेखा हमारी कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, वही तो दिष्ट होगी। तो हम ऐसे मान लेते हैं ये और ये दोनों जो वोल्टता होगी ना, उनके बिल्कुल बीचों बीच हमारे पास क्या होगी, दिष्ट वोल्टता होगी। कौन सी? ई डी सी। कौन सी वोल्टता होगी हमारे पास? ई डी सी होगी। अब भाई ई डी सी हम कैसे निकालेंगे? तो ई डी सी देखो, ये वोल्टता और ये वोल्टता, इनका एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो, तो क्या आएगा? देखो ई एम, ठीक है, ई एम और प्लस ई एम माइनस ई एम अपॉन आर एल सी इंटू टी अपॉन कितना, 2। तो ई डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई एम प्लस ई एम, 2 EM में ई एम का भाग देंगे ई एम माइनस, और 2 का इसमें अलग से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ई एम टी अपॉन क्या, आर एल सी। ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो कौन सी वोल्टता है हमारे पास? दिष्ट वोल्टता मिल गई। कौन सी वोल्टता मिल गई हमारे पास? दिष्ट वोल्टता मिल गई है। ठीक है भाई, मिल गई दिष्ट वोल्टता। ठीक है, यहाँ बीच में होगी कहीं हमारे पास, क्योंकि ये अभी भी जब हमने फिल्टर लगा दिया उसके बाद भी ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो आप। अब देखो ई एम तो फिक्स मान है, अब ये टी जो है ना, ये टी क्या बता रहा है? चेंज हो रहा है ये मान आवर्तकाल में। ये वाला जो पद है ई एम तो फिक्स होता है, इसमें ई एम टी अपॉन आर एल सी जो है ना, ये किसको बताता है? उर्मिका को बताता है, क्योंकि ये वैल्यू टी पर निर्भर कर रही है, ई एम टी अपॉन आर एल सी आ रही है ना, तो ये क्या कहलाता है? उर्मिका वोल्टता का शिखर मान कहलाता है। अगर ये पद ना हो ना, अगर ये पद ना हो, मैक्सिमम वैल्यू होती है उर्मिका, यही प्रत्यावर्ती को शो करता है ये वाला ई एम टी अपॉन कौन सा, आर एल सी। अगर ये पद ना हो तो ई डी सी इज इक्वल टू ई एम, तो हमारे पास फिक्स डिस मिल जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी। तो यही किसको व्यक्त करता है हमारे पास? उर्मिका को व्यक्त करता है। क्लियर है ये वाली बात? उर्मिता उर्मिका वोल्टता का शिखर मान इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई एम टी अपॉन 2 R L C, सॉरी ये 2 इसमें आएगा तो ये बनेगा 2 R L C। उर्मिका वोल्टता का क्या शिखर मान, ई एम प्लस ई एम, 2 EM में 2 का भाग दिया ई एम, और इसमें 2 का तो ई एम टी अपॉन 2 R L C। अब देखो ये जो उर्मिका वोल्टता होती है ना, समझना ये डेरिवेशन ऐसे बनेगा। उर्मिका वोल्टता होती है ना, इसको हम एक तरंग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आरादंती तरंग। उर्मिका वोल्टता को आरादंती तरंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब भाई ये क्या होती है? व्यक्त किया जाता है। तो ये जो तरंग होती है ना आरादंती, इसके बारे में आपने BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा होगा कि फूरिये प्रमेय में ऐसी तरंग होती है, ये ऐसी तरंग होती है, इस तरीके से क्या करती है, ये वेरी करती है। ऐसी तरंग के रूप में मान सकते हैं किसको? ये EMT अपॉन 2 R L C को। EDC तो ये मिल गई, ध्यान रखना EDC तो मिल गई, लेकिन जो इसमें प्रत्यावर्ती वाला भाग आ रहा है ना, ये वाला भाग उर्मिका वोल्टता का जो शिखर मान आ रहा है, उसको हम किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं? एक आरादंती तरंग के द्वारा, ठीक है, साउथ वेव बोलते हैं जिसे। और ये आपने कहाँ पर पढ़ी थी? फूरिये प्रमेय में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ठीक है, तो इसको इतना हम लिख लेते हैं। अब आगे देखो उर्मिका वोल्टता, अब ये जो है ना, ये वोल्टता इसकी इक्वल होती है प्रैक्टिकली, आरादंती के इक्वल होती है। और अब क्योंकि हम इसको आरादंती के रूप में व्यक्त करते हैं, आरादंती समय के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए हम अब लिख सकते हैं क्या कि इस तरंग के लिए टी समय पश्चात, ये डेरिवेशन ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखना,
वोल्टता जो होगी ना हमारे पास, इस तरंग के लिए वोल्टता दर्शानी है, तो आपने वहां भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, क्या बनेगा? E इज इक्वल टू बनेगा E m अपॉन ये 2 RLC, तो आएगा ही आएगा 2 RLC, और T माइनस क्या और आ जाता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है 2T। ये किसके लिए शो होता है? ये आरादंती तरंग के लिए, जैसे हम साउथ वेव भी बोलते हैं ना। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू EM अपॉन 2 RLC T माइनस 2T। अब देखो फाइंड आउट क्या करना था, मैंने कल के फॉर्मूले में लिखाया था आपको, हमें उर्मी का गुणांक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू को? उर्मी का गुणांक। और उर्मी का गुणांक क्या होता है, R इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती घटक, प्रत्यावर्ती वोल्टता बटे दिष्ट वोल्टता। और धारा के रूप में, करंट के रूप में लिखो तो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट अपॉन दिष्ट करंट यानी कि क्या, डायरेक्ट करंट। चाहे तो ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, क्योंकि हमारे पास EDC की वैल्यू तो निकल चुकी है, हम EAC की निकाल लेते हैं। क्योंकि ये वेव के लिए E का मान होता है ना, जब भी आप इन डेरिवेशनों में करोगे तो इनका वर्ग माध्य मूल मान लेना पड़ेगा। ये जो वोल्टता मिली है इसकी, इसका कौन सा मान लेंगे, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो हमारे पास कौन सी वोल्टता होगी, EAC। वोल्टता तो यही है प्रत्यावर्ती उर्मिका वाली, लेकिन इसका कौन सा मान होता है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। और वो क्या होता है EAC, 1/T इंटीग्रेशन 0 से T e² dt, और इसका क्या रूट। अब इसमें बस फटाफट वैल्यू रख देते हैं, देखो EAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1/T, EAC इज इक्वल टू 1/√1/T इंटीग्रेशन 0 से T, इंटीग्रेशन 0 से T, और ये बनेगा EM² अपॉन, या ऐसे लिख सकते हैं EM अपॉन 2 RLC का क्या होल स्क्वायर, टी माइनस के 2T का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या dt। अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, देखो EAC इज इक्वल टू बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, EM बाहर आएगा रूट से, तो ये बनेगा EM अपॉन 2 RLC बनेगा, EM अपॉन 2 RLC बनेगा। और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन क्या, EM अपॉन 2 RLC तो रूट से बाहर आया, स्क्वायर हट जाएगा, 1/T इंटीग्रेशन 0 से T माइनस के 2T का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा dt। अब इसे सोल्व करना है, EAC इज इक्वल टू EM अपॉन 2 RLC और 1/T, इसको हम सोल्व करते हैं, और इसकी पावर देखो रूट है ना, तो लास्ट में हम इसका क्या ले लेंगे, हाफ। तो इसको सोल्व करते हैं, टी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 × t² प्लस माइनस 2a × b की पावर कितनी, हाफ, ठीक है, इंटू क्या इसमें हमारे पास, रुको इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 0 से T तो है ही, और स्क्वायर खोल लो पहले, टी की पावर 2 प्लस 4t² माइनस, और ये बनेगा 2ab, तो ये बन जाएगा 4t × t, टी स्क्वायर प्लस के 4t × t बन जाएगा, 4t × t बन जाएगा, टी इंटू टी बन जाएगा इंटू डी टी, और पूरे की पावर कितनी है, हाफ है, ठीक है। तो EAC इज इक्वल टू EM अपॉन 2 RLC और 1/T, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 0 से T के बीच में सोल्व करो, इसका हमारे पास से टी स्क्वायर है, टी के रिस्पेक्ट में 1 है, तो ये बनेगा t² t, इंटीग्रेशन करना है, प्लस 4t³/3 टी स्क्वायर का होगा, माइनस 4t, टी का क्या होगा, t² / 2 होगा, और लिमिट क्या 0 से t हो जाएगा, ठीक है,
लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो से टी हो जाएगी। इसको और सोल्व करते हैं देखो, ताकि हम क्या निकाल लें, उर्मी का गुणांक निकाल लें। टी स्क्वायर टी है ना, ये आ गया। तो और इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है, हाफ तो बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन ही किया हमने इसका। तो ये बनेगा क्या, ई ए सी इज इक्वल टू, ये बनेगा ई ए सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टू आर एल सी, और यहाँ आएगा वन अपॉन टी, और अपर लिमिट रखोगे तो टी स्क्वायर इंटू टी प्लस फोर टी की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस फोर, ये देखो टी रखेंगे, टी स्क्वायर और टी, टी की पावर थ्री अपॉन क्या टू, और लोअर लिमिट तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो लोअर लिमिट तो रहेगी नहीं, और पूरे की पावर कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, हाफ है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो, ये जो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, और आप इसको मैं यहाँ से ऊपर भी हटा देता हूँ, इतना तो ये ईडीसी की, इसको हम यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से हटा देते हैं, चलो ये कर देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, बस सोल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ई ए सी की क्या निकालते हैं, वैल्यू सोल्व करते हैं। देखो ई एम अपॉन टू आर एल सी आ रहा है, तो ई एम अपॉन टू आर एल सी आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में आ रहा है वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी, टी स्क्वायर और टी, तो टी की पावर कितनी हो गई, थ्री हो गई। प्लस क्या आ रहा है, फोर टी की पावर थ्री अपॉन थ्री। फिर आ रहा है माइनस फोर टी की पावर थ्री अपॉन टू, और इसकी पावर हाफ। ई ए सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टू आर एल सी, इसको हम सोल्व करते हैं, वन अपॉन टी, ये ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना, सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स टी की पावर थ्री प्लस तीन दुनी छः, दो इंटू फोर, एट टी की पावर थ्री, और माइनस टू थ्री, और ये हो जाएगा ट्वेल्व टी की पावर थ्री की पावर कितनी, हाफ। ई ए सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टू आर एल सी, और इसको हम सोल्व करते हैं, वन अपॉन टी, और ये आ रहा है हमारे पास कितना, सिक्स, ये कितना हो गया, टी की पावर थ्री है तीनों में, तो ये आठ और सिक्स फोर्टीन माइनस ट्वेल्व, तो ये बच गया हमारे पास टू की पावर थ्री, और ये टू इंटू टी की पावर थ्री, और ये हाफ। ई ए सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टू आर एल सी, ठीक है, और हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से देखो ये टी की पावर वन है और ये टी की पावर थ्री है, तो टी स्क्वायर बचा, और ये दो से कितनी बार डिवाइड हुआ, तीन बार की पावर कितनी, हाफ। तो ई ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई एम अपॉन टू आर एल सी, है ना, और इसका रूट ले लोगे तो स्क्वायर का तो रह जाएगा टी अपॉन, और थ्री का क्या रह जाएगा, रूट थ्री रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए सी जो है वो आ गया ई एम अपॉन टी टू रूट थ्री आर एल सी, इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर टू हमने पहले ही ऑलरेडी किसको दिया था, हमने ई डी सी को दिया था, ठीक है। तो ई डी सी की वैल्यू आ गई, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई ए सी की वैल्यू आ गई, और हमें किसका मान निकालना है, उर्मी का गुणांक का। तो अब हमारे पास उर्मी का गुणांक और रिपल फैक्टर निकल सकता है।
ठीक है। तो ये तो किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ई ए सी की। क्या होता है आर इज इक्वल टू, उर्मी का कितनी रह जाती है इसमें फिल्टर में, वो कैसे निकालते हैं, ई ए सी अपॉन ई डी सी। तो आर इज इक्वल टू ई ए सी, प्रत्यावर्ती वोल्टता अपॉन दिष्ट वोल्टता, या दूसरा मैंने आपको बताया था प्रत्यावर्ती धारा या अपॉन दिष्ट धारा, धारा के रूप में ले लो चाहे वोल्टता के रूप में। ई ए सी का वैल्यू क्या है, ई एम टी अपॉन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन हो जाएगा एक बार करोगे, और ई ए सी में डिवाइड करना है नीचे ई डी सी का, और ई डी सी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मैं लिख देता हूँ नीचे, ई एम माइनस ई एम टी अपॉन टू आर एल सी, ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ई डी सी की। अब देखो इसमें से ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ई एम टी अपॉन टू रूट थ्री, और ये आ रहा है हमारे पास आर एल सी आ रहा है। इसमें से हम क्या करते हैं, ई एम और आर एल सी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया केवल, ताकि हम जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना दे ई एम आर एल सी। पहले में ई एम तो है लेकिन आर एल सी नहीं है, ठीक है, ई एम है लेकिन आर एल सी नहीं है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, या फिर अभी ई एम कॉमन ले लो ना, ई एम कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, वन माइनस टी अपॉन टू आर एल सी। ई एम से क्या कैंसिल हो गया, ई एम, तो आर इज इक्वल टू बन जाएगा टी अपॉन टू रूट थ्री आर एल सी, और वन माइनस टी अपॉन टू आर एल सी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखो और सोल्व करते हैं, आर इज इक्वल टू टी अपॉन टू रूट थ्री आर एल सी आ गया, आ गया आर एल सी। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम मैंने क्या ले लिया, आर एल सी ले लिया, ठीक है, केवल इस वाले पद में। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो आ यहाँ तो आ जाएगा आर एल सी आ जाएगा, और माइनस यहाँ आर एल सी लिया तो ये बन गया टी बाई टू। अब आर एल सी से दोबारा डिवाइड कर दो, यही बन जाएगा, देखो आर एल सी से डिवाइड किया वन, और यहाँ डिवाइड किया तो नीचे टू आर एल सी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो ऐसा करने पर आर एल इंटू सी से आर एल इंटू सी कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू बनेगा टी अपॉन टू रूट थ्री, और ये बन जाएगा आर एल सी माइनस क्या, टी बाई टू, ठीक है, क्या बन जाएगा, आर एल सी माइनस टी बाई टू। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, यदि आर एल सी इज ग्रेटर देन क्या हो, टी बाई टू, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा टी अपॉन टू रूट थ्री आर एल सी। ये किसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया, रिपल फैक्टर के लिए, उर्मिका गुणांक के लिए, टी अपॉन टू रूट थ्री आर एल सी, ठीक है। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन भी इसका आता है ना, तो एज इट इज़ हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से चेंज होती है हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए, यानी कि किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो जब मैंने थ्योरेटिकल इसके बारे में आपको बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि टी इज इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन एफ, फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें रखेंगे तो उर्मी का गुणांक की वैल्यू क्या आएगी, रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन नीचे क्या आ रहा है टू रूट थ्री, और टी की वैल्यू वन अपॉन एफ लिखेंगे तो एफ इंटू क्या, आर एल सी। ये किसके लिए आ गया हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, तो पेपर में कई बार आ जाता है प्रूव दैट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये आता है 0.288, और नीचे क्या, एफ आर एल सी, इतना उर्मिका गुणांक होता है हमारे पास जब हम फिल्टर लगा देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए।
वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैंने बताया था टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2f होता है। तो आप इस फॉर्मूले में रख लो, देखो आर इज इक्वल टू 1/2, नीचे क्या रहा है 2√3, 2√3 इंटू टी की वैल्यू रखोगे नीचे कितना आ जाएगा 2f, और क्या आ रहा है हमारे पास आर एल इंटू सी। तो आर इज इक्वल टू 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4√3, और फिर f आ रहा है इंटू क्या आ रहा है आर एल सी आ रहा है। तो ये किसके लिए आ गया, 4√3 f r l c, ओमेगा गुणांक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए आ गया। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.144, और ये इसको जब सोल्व करते हैं 1 में 4√3 का डिवाइड करते हैं और बाकी एफ आर एल इंटू सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उर्मी का गुणांक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, यानी कि इतनी उर्मी का रह जाती है जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं, संधारित्र लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पार्श्व पथ संधारित फिल्टर, यानी कि संट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नए फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।